नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी किचन वेस्ट हमारा निकलता है, किचन वेस्ट का मतलब पका हुआ भोजन नहीं है हमारा बिल्कुल भी, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, मतलब वो सारी चीज़ें जो पकाई ना गई हों उनकी बात हम कर रहे हैं। तो उन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में और वो बहुत ही बेस्ट होता है हमारे प्लांट्स के लिए। इनमें जिंक होता है, कार्बन होता है, इनमें आयरन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, हर चीज़ इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे हमने ये देखिए तरबूज का छिलका है, साथ में बनाना है, केला, आलू के छिलके हैं, ये पालक और चौराई के साग के बचे हुए हिस्से हैं। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं जिन्हें कि हम अपने किचन में यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। तो इन्हें कैसे यूज करना है, डायरेक्टली किचन से ले आके डायरेक्ट अपने गार्डन में कैसे यूज करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ तीन चार तरीके मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे अपने गार्डन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो पहला तरीका है, जो कॉमन तरीका है, सभी लोग करते हैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना। तो आप भी कर सकते हैं, किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाएं मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली दोस्तों प्रेफर करता हूँ, इससे कंपोस्टिंग का थोड़ा लंबा पीरियड होता है, करीब करीब 1.5-2 महीने लग जाते हैं इसको बनने में, अगर आप बहुत अच्छे से बना रहे हैं तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्ट ही यूज़ करता हूँ मैं अपने गार्डन में। तो पहला तरीका जो मैं आपको दिखाऊँ कि मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ कंपोस्ट बनाने के अलावा, कि आप देखिए इससे पहले मैंने गमले को कैसे भरना है मिट्टी को, ग्रो बैग को, तो मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए ये बड़ा ग्रो बैग है मेरा जिसे मैंने भरना स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी लगती है तो मिट्टी इतनी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होती नहीं है और वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कम वज़न में कैसे ग्रो बैग को भरें, ये भी वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए मैंने पूरी लेयर जो है नीचे की पत्तों की, गार्डन वेस्ट से जो निकले हुए पत्ते हैं उनसे बना रखी है, उसके ऊपर मैंने एक लेयर हल्की मिट्टी की डाल रखी है। तो इसमें किचन वेस्ट से जो निकले हुए आपको फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट और उसके ऊपर से आप मिट्टी भर दीजिए। तो जब मिट्टी के नीचे ये डिकम्पोज होंगे और मिट्टी में मिलेंगे तो जो रूट्स नीचे तक जाती है उन्हें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये तो दोस्तों हो गया पहला तरीका जब आप मिट्टी गमलों में भर रहे हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं जिसमें आपने प्लांट्स लगा रखे हैं या फिर अभी प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, मिट्टी भरी हुई है, दोबारा उसको यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉट्स की मिट्टी रोज़ नहीं खाली कर सकते हैं, तो इस तरह के पॉट्स में हमें कैसे इसे यूज करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये तो मेरा खाली पॉट है, इसमें से वो लौकी के पौधे लगे थे, आंधी में ख़राब हो गए, उन्हें हमने निकाल लिया है। इधर भी कुछ पौधे हैं जो ख़राब हो गए, इन्हें निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें आपको यूज़ करके दिखाते हैं। इसके अलावा आप जिन मिट्टी में पौधे लगे हुए हैं तो उसमें भी आप रूट से थोड़ा हट के, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये देखिए इस ग्रो बैग में 18x18 इंच का ग्रो बैग, इसमें करेली के 2 पौधे लगे हुए हैं, तो ये सेंटर में लगे हुए हैं। हमने इधर किनारे की मिट्टी को खोद लेना है और करीब 5-6 इंच की मिट्टी हमें निकाल लेनी है। थोड़े बहुत ऊपर के रूट डैमेज होंगे, उससे आपको परेशान नहीं होना है, वो फीडर रूट्स होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें जो हमारा किचन वेस्ट है, अब एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ, मैंने अभी इनको नहीं किया है, ये जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इनको इस शेप में नहीं रखना है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। तो हम काट के फिर दिखाते हैं आपको। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं अभी कि जैसे हम इसको यूज़ करते हैं मिट्टी में, तो ऐसा ना करना हमें कि हम सिर्फ तरबूज के छिलके ही उठा के इसमें डाल दें। देखिए मिला के जो भी वेस्ट निकलता है सबको आपस में मिला लें आप और फिर इसे यूज करेंगे तो लगभग पौधों को सभी एलिमेंट्स मिलेगा, क्योंकि तरबूज के छिलके में कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो साथ में बनाना पील में कुछ, और ये देखिए मस्कमेलन है, इसके जो छिलके हैं, आलू के छिलके, सभी को मिला के देंगे तो पौधों की ग्रोथ के लिए ओवरऑल जो ट्रेस एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है वो सभी आपको इस पौधे में मिलेंगे। तो देखिए हमें करना कुछ नहीं है, बस इस प्रकार से हमने इसमें भर देना है जो गड्ढा हमने बनाया हुआ है और फिर इसके ऊपर से हमें
मिट्टी से इसे कवर कर देना। देखिए इसे हमने मिट्टी से कवर कर दिया वापस से। तो अब जब इसमें वाटरिंग करेंगे हम तो ये इसमें डिकम्पोज होगा मिट्टी के नीचे, जो हमारे मित्र जीवाणु हैं इस मिट्टी में वो उन्हें खाएंगे और डिकम्पोज करेंगे। और जब हम वाटरिंग करेंगे तो जो रूट्स आप देख रहे थे फीडर रूट्स, उन रूट्स को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगेगी। इसी प्रकार से जो पॉट हमारा खाली है इधर देखें, इसमें हमने गड्ढा बनाना है, थोड़ा गड्ढा डीप कर लेना है करीब 6 से 7 इंची की, अब पॉट के हिसाब से गड्ढा करें और इसमें हम इन छिलकों को भर देंगे। जितने छिलके आए आप इसमें मिला के, एक ही जगह नहीं भरना है, बड़ा ग्रो बैग है हमारा तो 2-3 जगहों में हम इसे भर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि जब तक हम इसमें प्लांट्स लगाएंगे तो ये पौधे, ये जो मिट्टी में मिले हुए हमारे एलिमेंट, ये किचन वेस्ट है, ये काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुके होंगे और पौधों को, हमारी रूट को अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलने लगेगी शुरुआत से ही, तो फिर पौधे में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से देखिए हमने दोस्तों इसे कवर कर दिया है। ये हमने आपको बताया तीसरा तरीका किचन वेस्ट को यूज करने का। अब जो मैं लास्ट तरीका बता रहा हूँ वो है दोस्तों, अगर आपने सभी पौधों को लगा रखा है, गमले आपके खाली नहीं हैं, तो एक काम करिएगा कि कोई एक छोटा या बड़ा जैसा भी आपके पास एक्स्ट्रा हो, एक पॉट या ग्रो बैग खाली रख लीजिए, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बड़ा ग्रो बैग था जो कि ख़राब हो गया है, तो मैंने इसे ऊपर डाल रखा है और जो किचन वेस्ट हो या जो गार्डन से निकल रहा वेस्ट हो या फिर जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ले आके डालता हूँ और ऊपर से एक लेयर मिट्टी की डाल के छोड़ देता हूँ। तो इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, इसमें कोई गंध नहीं आती है और कोई कीड़े भी नहीं पड़ते हैं और जो भी हमारी कंपोस्ट होती है वो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हो जाती है इसमें। और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ से हम मिट्टी लेके फिर उसे अपने गमलों में यूज कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये मिट्टी अभी बारिश हुई है, आप देखिए इसमें नीचे मैं दिखाऊँ, ये देखिए अगर दिख रहा है आपको साफ साफ, तो हमने क्या किया है इसमें एक लेयर डाल दी जो भी हमारे वेस्ट हैं, चाहे वो किचन वेस्ट हो चाहे गार्डन वेस्ट हो, साथ में ये देखिए कार्डबोर्ड के टुकड़े, सब कुछ हम इसमें मिला देते हैं, ऊपर से मिट्टी की एक लेयर डाल के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ये इस मिट्टी के नीचे सब डिकम्पोज हो जाता है। इधर देखिए ये हमारे गेंदे के जो फूल थे उनको भी हमने डाल दिया है, तो ये सब कुछ इसमें डिकम्पोज हो जाएगा और मिट्टी को बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। और फिर जब इस मिट्टी को आप निकाल के यहाँ से अपने गार्डन में यूज करेंगे तो इसके आप रिजल्ट जो देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें तरीके की, जिसमें कि हमें किचन वेस्ट से लिक्विड कंपोस्ट बनाना है और अपने गार्डन में यूज करना है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो भी किचन वेस्ट हमारा निकल रहा है उसे किसी टब में पानी भर के उसमें हमें डाल देना है और 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 2-3 दिन बाद उसमें एक खट्टी सी स्मेल आने लगेगी, फिर हमें उसे छान कर जितनी मात्रा में हम लिक्विड कंपोस्ट लेंगे उतनी ही मात्रा में हम उसमें नॉर्मल वाटर मिलाएंगे और उसको पौधों में डायरेक्ट जैसे वाटरिंग करते हैं वैसे ही दे देना है। इस मेथड से दोस्तों जो न्यूट्रिएंट्स जो कंपोस्ट इसमें किचन वेस्ट में होते हैं वो पानी में आ जाते हैं और पानी से जब हम उसे पौधों में देते हैं तो रूट्स के पास वो डायरेक्ट चले जाते हैं और रूट को उन्हें ग्रहण करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इससे बहुत ही जल्दी कंपोस्ट बनती है और पौधों को लाभ भी मिलता है। किचन वेस्ट को डायरेक्ट अपने गार्डन में यूज कैसे करना है, अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।